नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हार्ट पे। दोस्तों, खबर आ रही है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 505 पदों पर भर्ती बहुत जल्द शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग तैयारी पे लग जाओ। आयोग ने ऐसा बोला है कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और 505 पदों पर भर्ती होने वाली है, जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा पद माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आयोग ने बताया कि 362 पदों पर करीब अध्याचन मिल चुका है और बाकी जो खाली पदों पर इसी हफ्ते तक, जो है इसी महीने के अंत तक अध्याचन मिल जाएगा, तो नवंबर में जो है वैकेंसी आने ही आने वाली है, तो आपको जो है लग जाना है सीधा तैयारी पर। ठीक है, तो अगर आप भले समीक्षा अधिकारी वीडियो देख रहे हैं आप, तो समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी की तैयारी नहीं कर, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत लोग यूपी टेट से मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, यानी शिक्षक ही हैं ज़्यादातर, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि जो आपके चाहने वाले हैं या आपके जान पहचान के लोग हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर बताएँ, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको पता चले और अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि नवंबर में वैकेंसी आएगी तो बहुत जल्द उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये। और एक तरह से देखा जाए तो आप मतलब इसमें बहुत कम जो है तैयारी करके एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ आई हुई है इसमें जो है आयोग ने बताया है कि जो पिछले 2016 की जो वैकेंसी थी उसको अभी जो है उस पर कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन 2017 की जो नई वैकेंसी है उस पर विज्ञापन आए हैं। ठीक है, तो आपका काम ये है कि दोस्तों लग जाओ आप पढ़ाई पे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट सभी के पास ये खबर पहुँचे और लोगों को जॉब मिले। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि RO ARO या जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश में या कहीं और भी, तो उस पर जो है इस चैनल ये चैनल जो है एक अच्छी तैयारी करवाता है और करवाएगा भी, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।